इश भाई। अंदर कौन है? नमन, नारी हो? वॉशरूम 40-40। 40-40। ए, क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहा है ये बताओ। हम फेस क्रम यूज कर रहा है। कौन सा है ये? कौन सा? हाँ? मामा अर्थ का। मामा सेक्सी है, कॉफी टाइप खुशबू। अरे ऐसा खुशबू जैसे मानो तुम्हें सूंघ के चाटने का दिल कर दे। चाटेगा? खुशबू से मन तो करता लेकिन तेरे को देख के मन नहीं। तेरे को खुशबू आ रहा है? हाँ यहाँ तक आ रही है। हाँ, ये कैसा है? बढ़िया। अरे मेरे को बहुत सटीक लगता है। तू पे जगह ही कितनी है, इतना सारा तो दाढ़ी है, लेकिन हम जितना भी है उसमें भाई खूबसूरत लगेगा। नल कहाँ गया? नल तो हुआ मेरा। गलत खुशबू है ब्रो, गलत खुशबू होती है इसमें। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओह माय गॉड, खाना आ गया? खाना आ गया। बहुत आ गया भाई मेरे को। भाई बहुत ही सटीक लगता है ये। तू यूज कर फेस मास्क, तेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हम इसको ट्राई करेंगे। हम तुम्हें बताएगा कैसे यूज करना है। सही। एम आई लुकिंग हॉट AF? FIRE। कैसी लग रही हो? अच्छी तो लग रही है। थैंक यू। ऑयल नहीं दिख रहा है थोड़ा भी, पूरा एकदम। ये है मेरी त्वचा का राज। और मामा आज बहुत चमक रहा है देख रहा हूँ मैं। क्यों नहीं चमकूंगा, मामा ने मामा अर्थ का फेस क्रम जो लगाया है ना? तो ये मामा अर्थ के फेस क्रम है, इसमें ग्लिसरीन है, कोको एक्सट्रैक्ट है, कॉफी एक्सट्रैक्ट है, एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, और क्या लेगा, खा जाएगा क्या इंसान को? अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। आ रही थी वहाँ पे, आ रही थी जब लगा रहा था। जब लगाया था कॉफी पीने का दिल तो मत लगाना, गोरा होने के लिए लगाना। ओके, सबसे बढ़िया बात, मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है देख, ये सब यहाँ पे दाना वाना नहीं निकला है। ये इसको इसलिए मेरे को बढ़िया लगता है, ये सारा स्किन टाइप के लिए बिल्कुल बढ़िया है। तो अगर तेरा भी स्किन सेंसिटिव है ना, तो तेरे को ये यूज करना चाहिए। पहले बहुत यूज करा हम एक दो और, लेकिन पूरा बाजा फट जाता था, दाना वाना निकल जाता था। लेकिन ये जब से लगाना स्टार्ट किया है ना, बिल्कुल सेट मामला रहता है। और तू भी यूज कर और चमक जा। कर दे ब्लॉक के लिए, रिकॉर्ड कर दे इसको। कर रहा है ना, इसको पता नहीं है ना। बहुत बढ़िया, देख ना कैसे गा रहे हैं। आगे आगे।
करो ना लो भाई, हेयर स्पेशलिस्ट हो भाई हमारे, भाई दिखना चाहिए भाई कि कैसे बालों का केयर करा जाता है। काहे बना भाई तुम्हारे मुंह से बड़ा कंगा लग रहा है भाई। हाँ ये जावेद हबीबी, ओ माय गॉड। अब दिखाओ, इधर दिखाओ। हाँ ये है। हो गया तो अभी अभी हमारा स्ट्रीम ओवर हुआ, और जब मैं स्ट्रीम करने जा रहा था वाइपर उसी वक्त आया था, तो हम उससे मिल नहीं पाए थे। तो बाकी सब लोग तो सो चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया, 4 बजे, 4 बज गया है, मेरा स्ट्रीम अभी अभी बंद हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं मिस्टर वाइपर निप्पू चाचा से मिलना है, निप्पू चाचा से मिलेंगे। ए! सो गई क्या? नहीं, मोबाइल चला रही है। निपु चाचा इज हियर। निपु चाचा, फीलिंग ठंडी? मजा यार, अभी आके नहा लिया एकदम मस्त। पहले आके एकदम गर्म पानी से नहा, ठीक है, एकदम पहले फील ले लिया, फिर थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया तो फिर पूरा ठंडा कर लिया। नहाया तो मतलब 15 मिनट, 15 मिनट बस नीचे खड़ा, बहुत दिन से नहाया नहीं था। फिर मैं बोला सांगवान को भी नहा ले, पूरा ऐसे सोया था, ठीक है, गाना बजा रहा है ऐसे फोन में, नींद आ रहा है, सो जाऊंगा। तो बोला फिर गाने बंद कर, मैं बंद कर दिया। तो बोलता है नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फिर लगा दिया गाना फिर से, और ये बात को हो गई 3 घंटे। इंटरेस्ट इज हिस्ट्री। मैं बोला इतने में 6 बार नहा लेता। बोलता नहीं आज मन नहीं है। बोला ठीक है, कल मेरे बाजू में आना मत। कितने दिन बाद लौट रहे हो बे गेमिंग हाउस? याद है किस गया डेट था को गए थे मैं 31 मार्च को, आई गेस। तुम 31 मार्च को चले गए थे? अबे अच्छा, मेरी मम्मी का बर्थडे था 15th को, तो मैं घर पे गया था, फिर 18th को वापस आया था। वो सब भाई आखिरी बाल भी मैंने मार्च में कटाए थे, देख सकते हो वो बाल। तो दिख ही रहा है। तो अभी इस बार थेपले लाए तुम? नहीं लाए? नहीं, अभी तो एकदम हड़बड़ी में आया ना, अभी प्लान नहीं था, एकदम 10:30 को डिसाइड हुआ। आगे क्या नमन कॉल किया था? नहीं, अभिनव भैया किए और कॉल नहीं, मैसेज किए थे, और बोले आ जा, फाइनल है 3 दिन के लिए आ जा। और उमंग लेने आ गया, उमंग और अभिनव भैया, तो दोनों आ गए। और सरप्राइज था, इधर बताया नहीं था किसी को। मुझे तो भाई भाई मैं मामा तो मामा पूरा लेटा था, ठीक है, एकदम मस्त ऐसा ऐसा सोया था, सांड बन। और फिर मैं आया पीछे से उसके सीधा पीठ पे, भाई भाई तो मेरी और हालत खराब हो गई भाई। मुझे पूरा हिल गया, फिर ऐसा देख रहा है, और मैंने तो पहना था मास्क, तो इसको पहले मैं पहचान में नहीं आया हूँ, भाई भाई ऐसा तो देख रहा है। भाई भाई तो बस यही बात है, अभी फाइनल है 3 दिन, तो साथ में रहेंगे तो बेटर रहेगा। लेट्स सी, अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सोने जा रहे हैं? चल ठीक है, मैं लाइट वाइट ऑफ कर देता हूँ। बहुत हार्ड, चलो गुड नाइट। अब हम चलते हैं, निप्पू चाचा भी सो गए, सांगवान भी सोने लेट चुका है, बाकी सब तो पूरे गेमिंग हाउस ऑलरेडी सो रहा था, हम भी सोने जाएंगे। आज इन लड़कों का PMPL है, 3 दिन होगा आज से, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सो जाते हैं जल्दी, कल उठेंगे, कल फिर से स्ट्रीम करेंगे उठ के। और ओ माय गॉड, मेरा PC अभी भी चल रहा है, इसको ऑफ करके हम फिर उसके बाद सोने जाएंगे। नया दिन, नई शुरुआत, देखते हैं कल क्या होता है। ए ए सेंगवेन, ए सेंगवेन, उठ, 10 घंटे से सो रहा है, उठना, देखना कौन आया है, जल्दी उठ। देख ऊपर करने में कहाँ कहाँ हुआ है। साईदीप सोसाइटी कौन सी है? प्लॉट नंबर 159 160, सेक्टर 19। कितने केसेस हैं? नवी मुंबई में टोटल 3,200। ओ भाई भाई भागो भाई यहाँ से। वाइपर बॉय अपने वन प्लस के पीछे छुपते हुए। हाँ ये लल्ला 14 को, 14 नहीं 15 को चलेंगे। कटवाया नहीं है ना? नहीं, ये 3 महीने से नहीं कटवाया। और डीजे सोलो, व्हाट आर यू ईटिंग? माफिया, और माफिया सब खैरियत? सुनो टॉवल उतारो,
तुमने देखा कि मैंने वीडियो ऑन कर दिया तो तुम टॉवल पहन लिए? अपना डैशिंग बॉडी तो दिखा दो। सबको दिखाने के लिए तो क्या पी रहे हो इसमें? कोल्ड कॉफी? कोल्ड कॉफी थोड़ी है, नॉर्मल कॉफी होगा। उसका भाव बढ़ा रहा था मैं वीडियो में, तू उठ गिरा रहा है। ए सो जा रहा है पागल जैसा, उठ। 3 बज गया पागल, उठ। डीजे भाई कोई गाना निकाले है चैनल पे? 2 दिन में आएगा। तो अभी लास्ट कब निकाला था? 1-2 दिन पहले। अच्छा भाई, माफिया कितना खाएगा भाई? पेट के अलावा पैर वैर को भी खिलाता है क्या? प्लेट में ले गया। मैं और नमन एक प्लेट में खा लिए, ये 2 प्लेट में खा रहा है, एक बार खा रहा है, खा रहा है। तू इतनी बड़ी प्लेट में खाया, मैं इसी प्लेट में खाया। उसमें 2 लोग खाए थे। मीम्स चेक करते हुए घंटा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? देखिए टेक्निकल गुरुजी से निकल के ये हिंदुस्तानी भाऊ लाइट पे जा चुके हैं। देखा ये शक्ल? जय हिंद दोस्तों। ओह माय गॉड्स, मौसम ऑसम। गलत ही मौसम हो रहा है बे, सही में बे। ओह माय गॉड भाई, हाँ सेक्सी बे, बिल्कुल कर। हाँ बे, किसी भी वक्त लाइट जाएगी, पड़ जाएगी। हाँ गलत, कैसा लग रहा है? मस्त मौसम, तो मस्त लग रहा है। देखेंगे गेम का मौसम कैसा होगा। लड़कों का मैच जो है अब स्टार्ट होने वाला है, 6:30 बजने वाले हैं, कुछ 2-3 मिनट रह गए हैं। मैं तो ऊपर था एडमिट वाले रूम में, चल के देखते हैं क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। ओह माय गॉड्स, बैठ गए। ओह भाई, स्लॉट नंबर 12, डेट भी 12, स्लॉट भी 12। ओह माय गॉड, 12 इज लकी। गलत सी क्या? तो गलत सा आया है भाई, साल भर से यही है। दो हटा दे, दो इसमें ही चल रहा है। PMIS 1, PMCO 1, PMCO Fall 2, 12, 1-2-1-2 ही चल रहा है। सांगवान निकल। तो ये लॉजिक में बोला भाई फाइनल में तो फिर वो चौक कर दिया। बोला भाई फिर 8 पे नहीं आना भाई इस बार। इधर सांगवान को बोला, सांगवान आओगे पनौत? मम्मी हाथ हट जी, वो लाइफ उठ जा रही है। हाँ हाँ, तो अभी से थोड़ी चली जाएगी। फाइनल के चौकर। बारह और 12, सुनो कुछ नया, कुछ बदलना है तुम्हें, तुम्हें चीजें बदलने के लिए लाया गया है यहाँ पे। कोशिश करेंगे ब्रो। हाँ देखो, मेरा हिस्ट्री हमेशा था सेमी स्टॉप, तो वो नहीं किया इस बार, तो फाइनल्स की बारी है ब्रो। देखो गुड लक है ना, चलो खेलो, सेक्स मचा दो, हम चलते हैं नीचे। हेलो हेलो, लाइव फीड पे अगर वो जा रहा होगा। हेलो आंटी, आंटी आ गई यहाँ पे हमारा गुड लक चाम। आंटी आंटी जब जब आई मैंने देखा कि ये चिकन डिनर आया। Yes. ये वो भाई, कोल्ड ड्रिंक जरूरी है भाई, खीर को प्रायोरिटी दो भाई। मौसम कैसा हो रहा है अभिनव भाई? चलो अच्छे से खेलना, ओके बाय बाय। ये द मैन विद द गोल्डन हेयर बोलूं? हाँ हेयर ही बोल देते थे। कहाँ देख रहे हो? गुलाबो सिताबो, गुलाबो सिताबो। अक्षु क्या हो गया है भाई, किताबों की उम्र में गुलाबो सिताबो कर रहे हैं। सो जा साले, पूरा दिन भर खेला ही हो तुम। ओ भाई इनको इनको देख लो, खाना खा लिए? नहीं तुम खाए, खाना खाए तुम हो ही साले ऐसे, बर्बाद हो तुम भाई, रहने दो। और यार नमन माथुर हर रोज रात में सोने से पहले क्लैश रॉयल सीट जीत जीत जाना भाई, वो सीट उसका वो सैचुरेट हो गया ना, इन्फर्नो थोड़ी होगा। ओ ईश भाई, प्रेडिक्शन बोलते
तुम वैल्यू दे रहे हो उसको फायरबॉल की, गलत। वो फायरबॉल भी उसको यहाँ पे देना पड़ रहा है। ओ भाई ओ भाई, उल्टा तो ये किंग टावर जाने वाला था। नमन माथुर यहाँ पे जीतते हुए अपना मैच, इनको देखिए काम का दिवस कर ले। अपने दोस्तों के साथ जो है सैनहॉक ग्राइंड चल रही है। वो माफिया तुम्हें जनता रॉनी लाइट बोलती है, फिक्सेस को माफिया लाइट बोलती है। खेलते काम जल्दी देखो, रिवाइव कीजिए। अरे दे, क्या सोच रहा है नमन? उचे अब हम लिया। तो आज डीपी उठाए थे रैंगल में, तो फिर नहीं उठाए थे तो फिर क्या? आखिरी बार उठाए थे डीपी याद है सेवरनी पे जोन बना था, क्या हुआ था? तो डीपी का है नहीं उठाया आज। यू एंड डीपी इज कैप्टन किल। मिलती नहीं है। और बताओ थक गए? मैं बहुत थक गया। मैं कल उठाऊँ जो शाम में 4 बजे, और फिर मैं सुबह सोया हूँ 1 घंटा बस, और अभी तक जग रहा हूँ। हो रहेगा और फिर ऊपर देखा हम लोगों ने, ठीक है, पेड़ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, बता ना आप भी इतनी सुन रहे होते हैं। हाँ बता ना। तो उधर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे ऊपर, ठीक है, ग्रेवयार्ड के वहाँ पे। तो उसमें देखा कि व्हाइट कलर का कुछ था बस, ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखा हम, तो वो बोरी लटक रही थी। अच्छा, लेकिन तू समझ रहे फर्स्ट नजर गई ना, तो वो 4 स्टेप भागने वाले ले लिए थे। लेकिन बहुत रात की बात है, मतलब कोई फ्रेंड्स नाइट आउट मार रहे हैं, तू सोच भाई। तुम्हारे साथ नहीं हुआ कभी? हुआ तो फिर बचूंगा नहीं। तुम्हें तो उठा के ले जाएगा है? नहीं ना भाई, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मार दो भाई। जो लोगों का सुन के लेते हैं ना। थोड़ा सा रुकना, कुछ कर थोड़ी रहा है वो, कान अंदर थोड़ी रहा है, बाहर निकाल भाई। अबे रुक रुक, नो कान करना। अबे इसका तो रुका हुआ है भाई। हाँ तो इसका भी रुका होगा, ये हटा रहा है। अबे मत करना मेरे का, भाई कान ला लो, क्या हो जाएगा वही ना भाई, कान कट गया देख, मैं रेड हो गया। तो दूसरा वाला कान ले ले, यही वाला, यही वाला, इससे अच्छा दिख रहा है मुझे। हमारा रहेगा लैब रैट है, एक्सपेरिमेंट चल। बस बस हो गया, अबे तू हो गया। क्यों कर रहा है? जैसे आईब्रो कर रहा है, मत करना रहेगा। हो गया, अब सर उठा हल्के से, दोनों भाई लोग। ये देख मेरी भी खुल रही है। इश भाई, माँ कसम भाई, ऑटोमेटेड है क्या भाई? कितना ब्रेड डाला तुम इसमें? 2। क्यों, हम नहीं खाएगा क्या? तू बोला खाना है। ख्याल होता है ख्याल। और मिस्टर सोल वाइपर, हाउ हैव यू बीन? बस क्या कट रहा है? सब रूल, समय भी, जोन भी, और एपीएल के चांसेस भी। साले तुम्हारे हाथ में भी दाढ़ी निकलती है बे सांगवान। हाँ, डोंट स्लीप सांगवान, लेट मी स्लीप ब्रो, कल और हिट मिलने वाली है ना। ओह माय गॉड, थोड़ा एक्स्ट्रा महंगा दे बटर लगा। चो जा ब्रेड का है तो कन लाए क्यों नहीं? गरम है जेसन। नहीं भाई, हेलो जेसन, हम आ गए भाई। गलती नशे भाई, ऐसी खा गया। एक लोथड़ा बुटोर का निकाला, इस पे रख दिया। तू तो सादी ब्रेड खाएगा। तो काहिली देखी गाइस, जस्ट बिकॉज की इनको काहिली थी तो ये खाली खा रहे थे। अब क्योंकि मैं बटर मैं लगा दे रहा हूँ तो इनको चाहत हो गई बटर की। छी भाई, मैंने ब्रेड डाल दिया और तू बटर लगा दे, मैं मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये इसको बोलते हैं इजी नाश्ता। अब हम इसको मोड़ देंगे। ये ले 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 कुतरिया, ले ले यार। आज मैं सोया 12:30 बजे और उठ गया 3 बजे। मैं सोचा मतलब उठते एकदम ऐसा था मैं कि क्या हो रहा है, एकदम सन्नाटा। अभी सोया पड़ा है जब से अभी नौ बजे का। एक तरफ में देखा कि अंधेरा है, मेरे को लगा रात है, और दूसरी तरफ में देखा सन्नाटा है जो दिन में होता है, क्योंकि इधर सब रात में जागते दिन में सोते। तो मैं फिर सोचने पड़ी, ये दोपहर का 3 बजे है कि रात का 3 बजे? बाहर से पूरा आँख वाँख पूरा बॉडी पूरा थका हुआ नींद में,
पर वो माइंड उठ गया तो एक्टिव हाँ तो फिर उठ ही गया मतलब फिर पूरा ही नींद बिगड़ गया। सोने जा रहा है? नहीं यार नींद आएगी नहीं अभी, नींद की जरूरत नहीं ब्रो अभी, मोटिवेशन की जरूरत है। और सांगा कैसा लगा आज का चैट? मस्त ब्रो, चैट बहुत ओपी। डिप्रेशन पे चले गए? हम और डिप्रेशन देखा तो अपना दिखाना जरा मामा उसका स्टोरी बता दे डिप्रेशन नहीं है तो फैक्ट है। नो मैटर हाउ गुड यू आर समवन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अगेंस्ट यू। कौन है वो समवन? सुनो सामान, जो हेटर्स होते हैं वो वोकल होते हैं, ये बात तो नोटिस किया। हां सपोर्टर्स होते साइलेंटली सपोर्ट करते, सपोर्टर साइलेंटली करते, ये बात तो है। तो तू देखेगा तो तेरे को ये सब दिखेगा जो टॉक्सिक। इतना लोड मत लो क्योंकि अभी 2 दिन है, 2 दिन के बाद जितना लोड लेना है लेना। 10 मैचेस अभी तो बस फोकस करना है। चलो सो जाओ तुम भी सो। चलो मैं तो जा ही रहा हूँ सोने, अभी मैं जाऊंगा और फेस मास्क लगाऊंगा। और यहाँ पे नहीं बे, फेस मास्क हाँ यहाँ पे देख, यहाँ पे दाना निकल आया हमारे, हमारे भी ये सब जाओ, ये यहाँ पे 2 निकल आए। हम फेस मास्क लगाएगा अभी मामा अर्थ का, उसके बाद फिर अब सो जाओ। हम ये लाइट ऑफ कर रहा है। तो गाइस अब यहाँ पे हर कोई सोने लेट चुका है, होटल रहेगा और ये सब सो गए थे, सिर्फ अक्षु जग रहा है। हम भी अब कुछ देर में सो जाएंगे क्योंकि अभी हमें फेस मास्क लगाना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये रहा, ये दाने, ये और इसके बराबर में एक और निकल आया है। तो अभी हम फेस मास्क लगाएंगे और ये हमारा फेस मास्क, ये रहा हमारा फेस मास्क। और फिर उसके बाद हम कुछ 10 मिनट को छोड़ देंगे लगा के, और उसके बाद फिर सो जाऊंगा मैं जाके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट करता हूं, इसीलिए सीरीज़ का नाम मांबा कनेक्ट्स है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक फ्री एडवाइस, मैं पर्सनली क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मेरे बहुत जल्दी दाने निकल आते हैं, इसलिए मैं जल्दी किसी भी फेस वॉश पे रिलाई नहीं करता। इसलिए मैं आप लोगों को जो है ये मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो है आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा, चाहे मामा अर्थ का फेस पैक हो, चाहे फेस स्क्रब हो, चाहे फेस वॉश हो उसका। क्योंकि फेस मास्क से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि वो डेड सेल्स को रिमूव कर देता है और जितने भी डेड स्किन्स हैं और वो भी रिमूव कर देता है, एनर्जाइज कर देता है एक तरीके से आपको। टैनिंग मेरे को बहुत बचपन से ही होने लगी, हालांकि अब नहीं निकलता लेकिन अगर थोड़ा सा भी निकल जाता हो तो टैनिंग बहुत हो जाती है मुझे, इसलिए मैं फेस स्क्रब जो है सजेस्ट करूँगा। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि गो फॉर इट, क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद हो, अगर आप लोग चाहें ये लेना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ये दोनों अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। मांबा 2020 का कोड यूज़ करना मत भूलिएगा टू गेट 20% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट। तो जल्दी से जाइए एंड हैशटैग वेकअप विद कोको चैट में ज़रूर लिखते हुए जाइएगा मेरे लिए। तो इसी के साथ आज मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ इस व्लॉग से, मिलूँगा आप लोगों से अगली बार अगले व्लॉग में अगली कहानी के साथ, क्योंकि अब मैं जल्दी जाने ही वाला हूँ नियर फ्यूचर में। 16th को मेरी फ़्लाइट है। अफसोस की चीज़ है कि मेरे जाने से पहले PMPL का ऐसा स्केड्यूल आ गया 12th, 13th, 14th कि बस शायद एक ही दिन मिलेगा एक साथ में पूरा इन्जॉय करने के लिए माइंड फ्री होके। तो देखते हैं कैसे रहता है, लेकिन हम लोग श्योरली अगली बार आप लोगों से एक बहुत अच्छे सफ़र पे मिलेंगे, ब्लॉग नंबर 11 पे जो आएगा। टिल देन सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है। शेयर करिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन गाइज आप लोगों को सलाम बहुत सारा, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। सी यू गाइज़।